तो वेल गाइज, इस वीडियो के अंदर हम आपको नावी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने वाले हैं। अब देखो, आज के टाइम में आप वो पैसा जिससे आप चिप्स या फिर कुरकुरे या फिर टपरी पे छोटी एडवांस खरीद रहे हो, उस पैसे को आप नावी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और कुछ टाइम बाद जब यहाँ पे आप एक साल दो साल बाद देखोगे तो आपको वही ₹10 आपका एक बड़ा अमाउंट आपको दिखाई देगा। अब देखिए, नावी म्यूचुअल फंड के अंदर आपको ₹10 से इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो नावी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लेकर यूट्यूब की जनता को बहुत सारी कंफ्यूजन है और यहाँ पे बहुत सारे लोग को SIP क्या होता है, लमसम क्या होता है, ग्राफ कैसे चेक करना है, अकाउंट कैसे बनाने हैं, पैसे कैसे लगाने हैं, यहाँ पे हम आपको A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। तो नावी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आप हमारा जो वीडियो देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में जाओ या फिर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर हमने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है। एक बार लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और सबसे पहले यहाँ पे आपको ये जो नावी एप्लीकेशन है इसको अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाता है, सिंपली यहाँ पे आप ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। जैसे ही ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब देखो, पहले स्टेप के अंदर यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर के साथ नावी में अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे आप अपना 10 अंकों का नंबर डालेंगे, गेट OTP पे क्लिक करेंगे, आपके नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा, अपना OTP फिल करके यहाँ पे आपको अपना नंबर लॉगिन कर लेना है। तो एक बार जैसे ही अपना नंबर यहाँ पे आप OTP के साथ वेरीफाई कर लेते हो, यहाँ पे आपके सामने म्यूचुअल फंड का कुछ ऐसा पेज आएगा, आप देख सकते हो। और नावी के अंदर आपको लोन्स के भी ऑफर मिल जाते हैं। तो अगर आप लोन वाला भैया हमारा दूसरा चैनल नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे मैंने आपको लोन के बारे में भी डिस्कशन किया है। अब देखो, जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। कुछ यहाँ पे परमिशंस आपको अलाउ करना है, सिंपली अलाउ पे क्लिक करेंगे। अब देखो, जैसे ही आप ये परमिशंस यहाँ पे अलाउ करते हो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर हम आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे एक म्यूचुअल फंड का साइन दिखाई दे रहा होगा, सिंपली आप म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ₹10 से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो 0 commissions के साथ। और यहाँ पे कोई भी लॉक इन पीरियड भी नहीं है, आप जब भी चाहो यहाँ पे अपने पैसे को निकाल सकते हो। इसके अंदर आप US के स्टॉक्स में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, Nifty 50 में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आप और भी जगह पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखो, म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए और ये अकाउंट सेवी के अंदर आता है। और यहाँ पे आपके अकाउंट जो भी होगा इसको यहाँ पे सेवी के अंदर मॉनिटर होगा, तो यहाँ पे आपको कोई भी फ्रॉड होने का चांसेस नहीं है। जिसके लिए आपको अपना अकाउंट सेटअप करना है तो सिंपली आप सेटअप नाउ पे क्लिक करेंगे। पहले स्टेप के अंदर यहाँ पे आपसे आपका पैन नंबर पूछा जाता है, तो आपके पैन कार्ड के ऊपर अपना पैन नंबर लिखा होगा, पैन नंबर फिल कर देना और सिंपली आपको नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एक बार जैसे ही अपना पैन नंबर डाल के आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, अब देखो अगले स्टेप के अंदर आपको अपनी आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई आधार का कुछ ऐसा ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुलेगा और इसके अंदर आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे और ये जो बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है इसी नंबर्स को यहाँ पे आपको कैप्चा के रूप में फिल करना है। और सेंड OTP पे आप क्लिक करोगे तो आपके आधार कार्ड से जो भी नंबर जुड़ा होगा उस पर आपको एक OTP सेंड किया जाएगा। तो अपना OTP यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे अपने आधार कार्ड को भी आपको वेरीफाई कर लेना है। अब एक बार जैसे ही अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे आप कंप्लीट कर लेते हो, अगले स्टेप के अंदर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। तो फटाफट से मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना email ID फिल करना है, मैरिटल स्टेटस में भाई साहब सिंगल हो या फिर मैरिड हो ये आपको बताना, और यहाँ पे आपको अपनी फादर्स नेम फिल करनी है। फटाफट से ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल करोगे और उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे ही अपना पर्सनल डिटेल्स आप फिल कर लेते हो, अगले स्टेप के अंदर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल फिल करनी है कि आखिर आप काम क्या करते हो। तो देखो, टाइप ऑफ एजुकेशन के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। अगर आप ₹10 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, स्टूडेंट वगैरह हो, तो यहाँ पे आप स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप दूसरा कोई काम करते हो तो आप वो भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। सोर्स ऑफ इनकम में आपको पैसे कहाँ से आते हैं, सैलरी है या फिर आपका खुद का बिजनेस है या फिर अदर से, जो भी होगा आप सेलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे एनुअल इनकम आपका सालाना आय कितना है ये सब आपको बताना होता है। अब देखो, यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल डिटेल्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दिया है। अब एक लास्ट स्टेप बच चुका है जिसके अंदर आपको अपनी बैंक अकाउंट लिंक करना है, क्योंकि जिस बैंक अकाउंट से यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट का जो भी पैसा आप जिस बैंक अकाउंट के अंदर लेना चाहते हैं वही बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको लिंक करना है। तो लिंक बैंक अकाउंट पे सिंपली हम क्लिक करेंगे। इसके अंदर आप UPI के थ्रू भी लिंक कर सकते हैं, अगर आप फोन पे, गूगल पे या फिर Paytm चलाते हैं उसके थ्रू भी यहाँ पे आप लिंक कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो मैनुअली अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे आप देके लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मैनुअली अपना अकाउंट नंबर लिंक करते हैं, यहाँ पे हम यूजिंग अकाउंट नंबर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी बैंक का नाम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करेंगे।
और उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। तो जैसे ही अपनी बैंक वेरिफिकेशन वाला पार्ट आप कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट का टिक लग चुका है, एक आखिरी स्टेप बच चुका है जिसके अंदर आपके नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना साइन करना होगा, तो यहाँ पे आप जो भी अपना साइन करना चाहते हैं आप साइन करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आखिरी स्टेप के अंदर आपके आधार से जुड़े नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाता है जो कि ई सिग्नेचर का होता है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने दो टर्म्स एंड कंडीशन आते हैं, आप दोनों को टिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे तो आपका ये जो फॉर्म है वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, जहां पे आपका फोटोग्राफ, आपकी सारी डिटेल, CDSL को यहां पे फॉरवर्ड किया जाएगा जो कि आपकी KYC डिटेल आपको देखने को मिलता है। तो एक बार आप फॉर्म को कुछ इस प्रकार से चेक करेंगे और यहाँ पे आप साइन इन नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन इन नाउ पे क्लिक करते हैं आपको दोबारा से टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर जो आप फिल किए हैं उसको आपको फिल करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके आधार से जुड़े नंबर पे एक ओटीपी जाएगा और डेट सेट, यहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड का जो अकाउंट है वो सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। तो एक बार जैसे ही अपने ओटीपी के साथ आप नंबर को वेरीफाई कर लेते हैं आपका जो म्यूचुअल फंड अकाउंट है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। जैसे ही आप करेंगे दोबारा से आपके सामने कुछ ऐसा होम पेज आएगा, नीचे आपको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिखाई देता है जिसमें आपको म्यूचुअल फंड पे क्लिक करना है। आपके सामने बहुत सारी ऐसे फंड्स आएंगे जिसके अंदर आप पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो US टोटल स्टॉक मार्केट जिसके अंदर आप पैसे लगा सकते हो, या फिर यहाँ पे Nifty 50 का इंडेक्स फंड है, इसके अंदर भी आप 10 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे हम रिटर्न्स के बारे में बात करें तो ये भी आप चेक कर सकते हो कि कौन सा फंड यहाँ पे कितना आपको रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फंड है फंड का साइज 791 करोड़ का है और यहाँ पे पिछले एक साल के अंदर ये 47% का रिटर्न दिया हुआ है। एक बार इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप चेक कर लेना, उसके अंदर यहाँ पे अगर आप निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड के अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हैं 92 करोड़ का फंड साइज है और ये भी आपको पिछले एक साल के अंदर 37% के आसपास रिटर्न दिया हुआ है। उसी प्रकार से US टोटल है, Nifty 50 है जिसके अंदर भी आप पैसे लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। अगर आपको और भी फंड्स चेक करने हैं तो एक्सप्लोर ऑल फंड्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नावी के अंदर जो भी लिस्टेड फंड्स है वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगी, आप जिसके अंदर पैसा लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। अब आइए हम आपको 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट कैसे करना होता है ये भी बता देते हैं। मान लीजिए हमें Nifty 50 इंडेक्स के अंदर अपने 10 रुपए लगाने हैं, सिंपली हम इस पे क्लिक करेंगे, देख सकते हो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ चुका है कि आप कितना अमाउंट यहाँ पे लगाना चाहते हैं। अगर यहाँ पे आप इसका मैप वगैरह चेक करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस फंड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। आप 1 साल 6 महीने 3 महीने सब कुछ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, रिटर्न चेक कर सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी होल्डिंग्स है, उसके अलावा यहाँ पे आपकी फंड की मैनेजर कौन होंगी, अगर आप डॉक्यूमेंट वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं सब कुछ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे हम 10 रुपए सेलेक्ट करते हैं, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पे क्लिक करते हैं हमारे नंबर पे एक 4 अंक का ओटीपी आएगा। जैसे ही अपना ओटीपी यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आप गूगल पे, फोन पे या फिर किसी अदर UPI से पेमेंट कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना कि ऊपर जो आपको बैंक अकाउंट दिखा रहा है जो कि आप लिंक किए हैं इसी अकाउंट के थ्रू आपको पेमेंट करने हैं, अगर आप किसी दूसरे अकाउंट के थ्रू पेमेंट करेंगे तो आपका ट्रांजेक्शन्स फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसी बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करेंगे और यहाँ पे आप 10 रुपए डिपॉजिट करेंगे तो आपके नावी म्यूचुअल फंड के अंदर आपके 10 रुपए इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी हमने जो ये प्रोसेस सीखा है इसके अंदर अकाउंट कैसे बनाते हैं, पैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं इसके बारे में हमने आपको बताया है। तो अब देखो यहाँ पे हमने अकाउंट कैसे बनाने और पैसे कैसे लगाने हैं इसके बारे में तो डिस्कशन कर लिया है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे आप 10 रुपए तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। SIP और लॉन्गसम क्या है, देखो SIP अगर आप करते हो तो यहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट आपके अकाउंट से महीने कटते रहेंगे। अगर आप 10 रुपए का SIP करोगे तो यहाँ पे 10-10 रुपए आपके महीने के टाइम में कटते रहेंगे। वही अगर आप लॉन्गसम चूज करते हो तो आप जितना अमाउंट चाहो उतना ही पैसा लगा सकते हो। एक मेन ड्रॉबैक है जो आपको कोई नहीं बता रहा है यूट्यूब के अंदर, अगर आप 10 रुपए का भी SIP यहाँ पे करते हो और मान लो यहाँ पे जिस दिन आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट से कटने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जब SIP करते हो तो आपको ऑटो मैंडेट सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे ही आप करोगे अगर पैसे नहीं रहते हैं 10 रुपए भी नहीं रहेंगे तो उसके लिए आपको ECS बाउंस का चार्ज लिया जाता है जो कि 590 रुपए का अप्रोक्स होता है। तो यहाँ पे अगर आप SIP कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने अकाउंट में सफिशियंट बैलेंस मेंटेन करना है, बाकी कोई भी इशू नहीं है, आप आसानी से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। ये स्पेशली स्टूडेंट के लिए बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे आप 10 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब देखो अगर आपको अभी कोई डाउट या फिर कंफ्यूजन बच चुका है तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, बाकी आप मुझे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।